जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक मनी मंत्र में। जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, मूल नामक नक्षत्र आज होगी। आज का राहु काल शाम 4:37 से शाम 6:06 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:34 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा, यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दलिया घी या पान खाकर घर से बाहर जाएं, लाभकारी होगा। मित्रों, यदि आप भी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपना जन्म डिटेल और अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, आज का राशि फल जान लेते हैं। वृषभ राशि, आप आज होने वाली घटनाओं के कारण और कई तरह की उल्टी सीधी सूचनाओं के कारण खुद को उलझन में फंसा हुआ अनुभव करेंगे। इस समय आपका सही मार्गदर्शन आपके मन की आवाज ही कर सकती है। जैसा आपका मन कहता है वैसा ही करें। इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, आप अपने व्यस्त जीवन में भी सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की अपनी काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक्सरसाइज ना छोड़ें। अगर किसी दिन खाना ना भी बना सकें तो रेस्टोरेंट में खाने या फ्रोजन खाने से बचें। ऐसी स्थिति में उबला हुआ खाना खा सकते हैं। आप स्वास्थ्यकर जीवन शैली से बस एक कदम दूर हैं। प्यार और संबंध, आपके दिल और दिमाग में एक साथ बहुत सी विपरीत भावनाएं चल रही हैं। वास्तव में आपके लिए एक से अधिक रोमांटिक पार्टनरों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट ही है, फिर भी आपको कई बार अलग अलग भावनाएं अपनी तरफ खींचेंगी। इसीलिए इस समय अपनी लव लाइफ के बारे में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। करियर और धन, आज्ञाकारी होना अच्छा है लेकिन दूसरों के मुताबिक कार्य करना सही नहीं है। आप और आपके विचार सबसे अलग हैं। आपको जो सही लगे वह करें और लोगों की बातों में आने से बचें। आप अपने व्यय योजना में अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सकारात्मक वित्तीय बदलाव आए, इसलिए आगे बढ़ें और योजना को अंजाम दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय, विकलांग लोगों की सेवा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम हमें बताएं ताकि हम आपके लिए उसका उपाय बता पाएं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।